किसे कहते हैं? लिंग की परिभाषा हम देखते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष पुरुष यानी कि मेल या स्त्री स्त्री यानी कि फीमेल जाति का होने का बोध होता है यानी कि पता चलता है उसे हम लिंग कहा जाता है। यानी कि शब्द के जिस रूप से हमें मेल या फीमेल ये मेल है या फीमेल है उसका हमें पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं यानी कि जेंडर कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाए तो फीमेल या मेल होने का पता चलता है उसे हम जेंडर कहते हैं। लिंग दो होते हैं, एक है पुल्लिंग दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग को अंग्रेजी में मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं और स्त्रीलिंग को अंग्रेजी में फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। तो बच्चों लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग दो होते हैं, वन पुल्लिंग मस्कुलाइन जेंडर एंड स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर। बच्चों हम पुल्लिंग की पुल्लिंग यानी कि मस्कुलाइन जेंडर की परिभाषा देखते हैं। पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं यानी कि जिससे हमें पता चलता है कि ये मेल है तो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे कि उदाहरण लड़का भाई पिता, लड़का बॉय भाई ब्रदर पिता फादर, तो इसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग। जैसे कि दादा नाना मामा सखा, तो ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। मतलब कि ये पुरुष जाति यानी कि मैन मैन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। अब हम स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन जेंडर, स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहते हैं यानी कि जिससे हम हमें पता चलता है कि ये स्त्री है औरत है उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन जेंडर। इसके उदाहरण है जैसे कि लड़की बहन माता दादी नानी, तो ये सब क्या हो गए? स्त्रीलिंग जेंडर यानी कि फेमिनाइन जेंडर। जैसे मैं यहां बताऊंगी कि ये लड़का है तो लड़का क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। ये लड़की है तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। जैसे रमेश जा रहा है तो रमेश क्या है? लड़का है। राधा लिख रही है तो राधा क्या है? लड़की है। तो ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर। तो मैं आपको इसके थोड़े उदाहरण एक चित्र में दिखाती हूँ। तो बच्चों ये है पुल्लिंग के उदाहरण जो आप चित्र में देख सकते हैं। लड़का भाई पिता दादा नाना चाचा आदमी, ये सब पुल्लिंग के उदाहरण है। अब आप स्त्रीलिंग के मैं आपको उदाहरण दिखाती हूँ। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं लड़की बहन माता दादी चाची आंटी सखी, ये सब स्त्रीलिंग के उदाहरण है। तो मुझे आशा है कि आपको लिंग बदलिए यानी कि जेंडर समझ में आया होगा और ये बहुत ही आसान है तो आप इसे समझे होंगे और इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।